हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ खीरे के अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए दो खीरे लिए हैं और उसे छोटे पीसेस में काट लिया है। अभी इसमें हम 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। 3 टेबलस्पून नमक डालना है, या नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून राई का पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई मेथी और 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसे मिक्स कर लिया है, अभी इसके छोंक की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप तेल लिया है, ये गरम हो चुका है। अभी हम इसमें 1 टीस्पून सरसों, 7-8 कलियां लहसुन की, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 5 साबुत लाल मिर्ची डाल देंगे और अभी इसे फ्राई कर लेंगे। अभी छोंक तैयार हो चुका है, ये ठंडा हो जाए तो हम अचार में डाल देंगे। अभी इसमें ये छोंक डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम बोतल में डाल देते हैं। ये अचार 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।